ठीक है हार्दिक रो नहीं रो नहीं अरे मदद करेंगे पैसे छो भैया आके ना लिखा यार बेकार का कोटा का निर्धारण हुआ उसी ये बैठक थी 10 बजे से और बैठक में क्या क्या जुर्म हुआ क्या क्या छोटा था सामान कैसे हो गया बस इसीलिए मेरे पापा को धक्का दे दिए और गिर गए हमारे पापा उनको होश नहीं आई धक्का थाना रौनाही में और तहसील सोहल है ब्लॉक सोहल है कल 10 बजे अमरपुर है उसी गांव में कोटे का निर्धारण होना था कोटा का निर्धारण होना था उसी ये बैठक थी 10 बजे से और बैठक में क्या क्या जुर्म हुआ क्या क्या अत्याचार हुआ मैं समझता हूँ उन्हीं की जबानी जिसके साथ जुर्म हुआ है जिसके साथ अत्याचार हुआ है उनकी पत्नी है रोते बिलते लोग हैं और कम से कम यहाँ पर कम से कम 500 से ज्यादा लोग हैं 500 से ज्यादा लोग हैं भाई 500 से ज्यादा लोग हैं और 200 महिलाएं हैं मैं चाहता हूँ जिसका है जिसके ऊपर ये हुआ है उसी की जमानत बात सुन लो बताओ खड़े को बताओ जो बात है बताओ तुम जैसी बात हुई है बताओ कल के हमारे वहाँ अमरपुर ग्राम पंचायत में वो था कोटे का मीटिंग था तो वहाँ हम लोग गए थे उसके बाद वहाँ मतलब गए थे खीरा मतलब गए थे वहाँ तो उसने वहाँ जाके प्रशासन से पूछा कि जैसे कोटा था तो सामान कैसे हो गया इसी बात पे उसको मतलब सर जो भी था मतलब हम नहीं जानते कौन थे पुलिस के कौन थे बताओ ये दरोगा साहब थे तो फिर मतलब उनको धमका के डरवा के बाहर धकेलते हुए लेके गए उसको उनको मतलब धकेल दिया उसके बाद गाली वाली दी वो गिर गए उसके बाद उनको होश नहीं तो ये पत्नी है ये उनकी पत्नी है ये मृतक की पत्नी है ये मृतक की बेटी है ये मृतक का बेटा इनसे भी इनकी दूसरा सुन लो इनकी मुसीबत सुन लो बताओ उनका न्याय चाहिए इसका पति गया है इसको न्याय चाहिए बताओ जो बताओ बताओ मुझे जो बता देता है साहब हमारा पति मंदिर जी पहले आप बताइए कुमारी लोग ऐसा है कुमारी लोग केवल राजनीतिक लोग ठीक है और आप आए लेकिन आप बोल लीजिए चलिए जाइए आने 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 भैया मोबाइल कुमार देखिएगा क्या दिक्कत है बताइए क्या आपको मामला पूरा क्या है सीधे 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 खड़ा है सीधे क्या घटना मामला क्या बताइए सीधा देखिएगा फोन फोन कर लो भाई आप बताइए चलो क्या बात कोटे का न्याय था ना तो हमारे पापा गए थे अमरपुर में तो वहाँ पे मेरे पापा बोले कि एससी कोटा था सामान कैसे हो गया बस इसीलिए मेरे पापा को धक्का दे दिए और गिर गए हमारे पापा उनको होश नहीं आई किसने धक्का दिया धक्का देने वाला कौन था सर नाम नहीं जानते सर पुलिस थे लेकिन हम नाम नहीं जानते सर अच्छा किस बात को लेकर के धक्का दिया वही कोटा जो मेरे पापा बोल दिए थे कि एससी था सामान कैसे सामान आएगा तो सामान कैसे सामान ठीक है नहीं आएगा फिर क्या हुआ पिताजी को आप क्या लेकिन मेरे पापा को फिर अस्पताल लेकर आए फिर मेरे पापा खत्म हो गए होश नहीं आई तो क्या चाहती हैं आप क्या चाहते हम न्याय चाहते हैं बस मेरे पापा को न्याय मिले घर में कितने लोग आपके हैं बस हमारे घर में 5 लोग हैं कौन कमाने वाला था मेरे पापा थे अच्छा तो अब आप क्या चाहती हैं अपने हम न्याय चाहते हैं हम अपने घर में सबसे बड़े हैं और हमारे दो भाई छोटे छोटे हैं क्या नाम आपका है मेरा नाम आशा है क्या लगती हैं आप उनकी आज मैं उनकी बेटी लगती हूँ ठीक
थोड़ा सा आप बताइए, थोड़ा आप बताइए क्या है, इतना क्या बोले, बोलना को पड़ेगा इनको। चलिए आइए, आइए पूरी घटना बताइए, किस गांव की है, किस जगह की है, कौन थाना, कौन गांव है, क्या मामला बताइए। मामला क्या बताइए सर? हाजीपुर बरसंडी के अमरपुर गांव में मतलब पंचायत भवन पे कोटे का चुनाव था, मतलब वो बैठक वहीं बुलाया, कल वहीं बुलाया गया, तो हम लोग वहीं गए थे। उसके बाद सर फिर वहां गए, जब मतलब बातचीत होने लगी, बैठक हुई, उसमें फिर सब लोग पूछने लगे, तो ये जाके बोले कि मतलब दुखीराम जाके बोले कि मतलब एससी कोटा था तो कैसे समान होगा। उसके बाद एसपी साहब डांटते हुए, मतलब दरोगा साहब डांटते हुए दुखीराम को धक्का मारते हुए बाहर टेल दिया। उसके बाद वो गिर गए, फिर उनके होश नहीं आए, फिर उनको मतलब दो तीन लोग लेके आए जिला अस्पताल, फिर वो वहीं दम तोड़ दिए। दरोगा जी ने धकेला था कि एसओ साहब ने धकेला था? दरोगा जी ने धकेला था कि एसओ साहब ने? एसओ साहब ने। अच्छा, अब क्या चाहती हैं सर? हम न्याय चाहते हैं सर, न्याय इनको दीजिए, ना इनके पास कुछ है, ना खेती ना बाड़ी, वो कमाते थे तो ये सब खाते थे। अच्छा, तो हमको न्याय चाहिए। कौन हैं आप लोग? सर पासी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पुष्पा है। ठीक, आइए सांसद जी, आइए सांसद जी, बताइए तुम बताओ सांसद जी। आप कौन हैं? हाँ आइए, आप कौन हैं? आगे बच्चे हमारा देवर है। अच्छा, आपके देवर हैं? देवर हैं। अब आ लंबा देव दर्शन, एक को देव बताओ का मामला हो रहा है। नंबर पर में पंचायत थी, एक कोट आ गए, उससे बैठक रहा और सब लोग गए और सभी बैठक रहा और सभी मोती लाल तो दुखी राम रहे, कहीं नहीं साहब साहब देखते एस पी कोटारा सम्मान कैसे आ गया, कैसे साहब ने उनको धक्का मार के टेके टेलते लेके बाहर ना। कितनी उम्र रही होगी उनकी? 36 साल। अच्छा, करते क्या थे वो? ये ढकेले रहा ना। अब आप लोग चाहते क्या? अभी हम चाहते न्याय चाहिए। दाह संस्कार करेंगे आप लोग? हाँ साहब साहब, नहीं तो अभी कुछ प्रदर्शन करेंगे आप कि इनको लगे अंतिम संस्कार करेंगे? काल के मट्टी है। ठीक है ठीक। क्या नाम आपका है? क्या है उनकी? ठीक है ठीक, संसद जी आइए, संसद जी आइए। 14,000 आइए, क्या कर मैं पैसा देके उठेंगे, पैसा देके रो नहीं। अरे चले गए, भैया आगे ना लिखा यार, फिल्म के आगे ना आइएगा, हम मदद करेंगे, सबकी मदद करेंगे, न्याय दिलाएंगे, आप घबराओ नहीं, हम गांव भिजाएंगे, न्याय दिलाएंगे और कातिलों को सजा दिलाएंगे। ठीक है? हाँ, घबराओ नहीं, रो नहीं। मामला क्या था? ऐसा है, मामला तो आपने सुन लिया। मामला क्या था? कोटिक बैठक के बारे में कहाँ बैठक थी ये अमरपुर सब लोगों ने बताया, जो उस बैठक में थे सबने बताया, और उसी बीच दुखीराम इनके पति थे, करीब 35 साल की उम्र थी, 35-36 साल, और वो भी इतने पूछे थे कि सामान्य कोटा था ये आरक्षित था, ये रिजर्व कोटा था, ये सामान्य कैसे हो गया, इतने पर क्या क्या किसने किया है इन्होंने अपने मुंह से सब बता दिया। सुना है कि नहीं? बता दिया किसने धक्का मारा है, किसके धक्का मारने से गस खा करके गिर गए और उसके बाद अस्पताल में मर गए, और आज कम से कम 500 लोग आए, कम से कम, ये किसी के लाए हुए नहीं है, और ये अपने मन से और इनके मुसीबत में आए हैं, इनके इनके जो है
दो नाबालिग बच्चे, देखिए ये बच्चा है, ये है एक एक बिटिया नाबालिग, ये बेटा है, ये भी बच्चा है, भी आया बाहर, ये लड़की, ये बिटिया है, ये तीन बच्चे हैं, ये अनाथ हो गए हैं, और जिस तरह अपमानित किया गया है सारे मुद्दे को, अब ये लोग जो है पुलिस कप्तान के यहाँ जाएंगे, दरखास्त भी देंगे, हर तरह से कार्रवाई इनको हम न्याय हर हालत में दिलाएंगे, और कातिलों को जिनका दोष है उनको जेल में भिजाएंगे, इनकी पूरी आर्थिक मदद की जाएगी। सहायता राशि भी आपने कुछ दिया? सहायता राशि कुछ दिया आपने? अरे कुछ क्या है, दाह संस्कार गरीब नहीं है, रोजे आना ठेलिया वलिया चलावत रहे तो बेचारे तावा गर्म होता रहा, अब इनको 10,000 रुपया दिया जिस तरह से बात की जाए सांसद जी, तो उन्होंने पुलिस पे आरोप लगाया है कि पुलिस नीचे करा दी, पुलिस पे आरोप लगाया है, मुख्यमंत्री कहते हैं कि पुलिसिंग बहुत अच्छी है, लेकिन अरे आप तो सुन रहे हो ना, उनकी बात सुन रहे हो? नहीं जी, आरोप लगाया उन्होंने, नहीं कौन लगाया है, घर वाले लगा रहे हैं, पुलिस वाले लगाए हैं, नहीं तो बस आप जान लीजिए, ये सारे लोग बता रहे हैं, सैकड़ों सब ये गांव के लोग उठाएंगे क्या, लोकसभा उठाएंगे, ऐसा है अन्याय के खिलाफ हमेशा हमने संघर्ष किया है, और बड़े बड़े अन्यायियों को मैंने जेल भेजाने काम किया है, ऊपर और पीड़ितों को हमने हमेशा न्याय भी दिया है, मदद किया है, ये मामला गंभीर है, इस मामले को गंभीरता पूर्वक लेकर बहुत प्रभावी कार्रवाई हम कराएंगे, इनकी बात सुन लो सबके पहले, इन लोगों से और हम ये चाहते हैं कि कोटा जहां था पहले पुराना कोटा हम एससी वही चाहते हैं, नहीं सर उसके लिए हुआ है।